हेक्सागोनल इस वाले क्वेश्चन को मत बनाना। अ हेक्सागोनल पिरामिड बेस 30 mm साइड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP विद टू एज पैरेलल टू VP। ठीक है, आपको समझ में आ गया, दो साइड VP के पैरेलल है, मतलब हेक्सागन नीचे बनेगा। तो ये हेक्सागन आपने नीचे बना लिया, ठीक, ऊपर एक्सिस का हाइट दिया है, कितना दिया, 65, ये 30 दिया है, ये हेक्सागन बन गया, ऊपर प्रोजेक्ट किया, ये वाला हाइट टोटल कितना दिया आपको, 65 बना लिए, क्लियर। अब सेक्शन प्लेन कैसे कटा, देखो, इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। ऊपर बनेगा मतलब 45 HP से इंक्लाइंड है, मतलब ऊपर बनेगा, और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट ए पॉइंट 25 mm अबव द बेस, मतलब ये बेस है, यहाँ से 25 mm ऊपर आपको लेना है और वहाँ से रख के कितना डिग्री बोला इंक्लाइंड, 45 डिग्री इंक्लाइंड, तो सेक्शन प्लेन बन गया आपका, ठीक है, क्लियर। अब ये जो सेक्शन प्लेन बना आपका, अब नेमिंग वैसे करना है आपको, मैंने क्या बताया था, बेस में अगर कुछ भी कट रहा है तो डबल नेमिंग होगा, तो देखो इसका डबल नेमिंग अपन को करना है। अब बाकी के देख लो, ये वाला लाइन में कटा है तो ये डबल है, OB और OF दो लाइन है, तो इसका भी दो नाम रहेगा। यहाँ सेंटर में OO के अलावा कुछ और है क्या, जैसे अपन ने यहाँ पे सेंटर का नाम दिया, यहाँ पर मैंने सेंटर वाले एक्सिस वाले लाइन पे नेमिंग किया था, क्यों, क्योंकि एक्सिस में OB और OD दोनों था, ये OB है, ये साथ में OB है ना, तो देखो OO के साथ में दो पॉइंट भी आपका BD, इसलिए आपको इसका नेमिंग करना पड़ा। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, केवल OO होता बस, तो इसका अपन नेमिंग नहीं करते, ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे OO के अलावा, न बी न सी न डी कुछ नहीं है, केवल OO है, तो इस वाले पॉइंट का आप नेमिंग करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं करेंगे इसका नेमिंग। फिर वैसे ये क्या है, OC और OE दो लाइनें देखो, तो इसका भी डबल नेमिंग होगा, और ये केवल एक ही लाइन है OD, तो इसका सिंगल नेमिंग रहेगा, तो सबका डबल नेमिंग होगा, केवल लास्ट वाले को छोड़ो। तो अपन साइक्लिक ऑर्डर में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब ये कहाँ बना है, बेस में देखो AB और AF, तो यहाँ पे देखो AB और AF कहाँ है, ये AB है और ये AF है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ पे 1 और 7 आ गया। फिर 2 और 6 कहाँ बना है, OB और OF में, अब देखो सेंटर से OB और ये OF, इसको प्रोजेक्ट कर दो, 2 और 6 बन गया। वैसे ये 3 और 5 का बना है, OC और OE, ये OC है OE है, इसको प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ 3 और 5 आ गया। और 4 का बना है OD में, तो ये OD है हॉरिजॉन्टल वाला, इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे OD आ गया, 4 जोड़ दिए। अब यहाँ से 90 डिग्री लेके ऐसे बनाओगे, आपको पता है यहाँ रेफरेंस लाइन से 7 और 1, 3 और 2, 3 और 5, 4 ऐसा मेजर करके यहाँ पे रख के काटते जाओगे, तो ये वाला एग्जाम बन जाएगा। सेक्शनल साइड व्यू कैसे बनाते हैं आपको पता है, प्रोजेक्ट किया, पहले ट्रायंगल बनाया और यहाँ से डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए, तो आपको मिल जाएगा। अभी देखो ये सब पॉइंट आपको हॉरिजॉन्टली मिल जाएगा, 2 और 6, 3 और 5, 4, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा, ये 7 को और ये 1 को, देखो इधर बनाया, इधर फिर यहाँ रख के इतना रेडियस लेके इधर घुमाए, यहाँ रख के इतना रेडियस लेके इधर घुमाए, तो ये 1 और ये 7 आ गया, क्लियर। तो ये आपका बन गया हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन, ठीक।